नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वो चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कल समझाया था कि 20 MA को बाय किया जाए, 20,207, तो एग्जैक्टली देखा आपने कि उसी को बाय किया गया। 241 पे भी मैंने कहा था 20 MA, तो यहाँ से बाय करना, 200 का स्टॉप लॉस भी रखना, और 20,300, 318 और 360 तक के लेवल हमें देखने को मिले, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको चलती मार्केट में भी मदद करते हैं, सुबह सुबह कमेंट्री भी आती है, उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि एक आधी ट्रेड भी आपको उसमें दे दी जाए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रुपये पर। देखिए, रुपये में जैसा कि आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे सेल ही कीजिए। आपको हालांकि ग्रीन कैंडल नजर आ रही होगी, हाँ थोड़ा रिस्क है, पर मेरे हिसाब से यहाँ सेल ही करना चाहिए 82.30 के SL के साथ, और नीचे 81.95, 81.87 और नीचे 81.78 और 81.67 तक का डिप देखने को फिर से मिल सकता है, और इस डिप को फिर से बाय करना चाहिए जैसे पहले हमने बाय किया था, और एक जबरदस्त रैली को एंजॉय भी किया था। तो आइए अब हम आते हैं स्टॉक्स पर कि स्टॉक्स में हमें क्या करना। देखिए, सबसे पहले REC लिमिटेड। REC काफी झूम के उठा है, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, इसकी न्यूज भी अच्छी है, तो सारा कुछ अच्छा है। तो इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था जब इसने फ्लैग पे ब्रेकआउट दिया था, और फ्लैग पे ये ब्रेकआउट जब भी आता है काफ़ी बड़ा आता है, तो फ्लैग पे ब्रेकआउट का जो मैंने समझाया हुआ है उसका जो फार्मूला, उसके अनुसार जो टारगेट निकल के आते हैं वो 202 के ऊपर 209 तक के निकल के आते हैं। बाकी ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट स्टडी के लिए आपको बताया गया है कि कौन कौन से स्टॉक के चार्ट अच्छे लग रहे हैं। उसी तरह भेल का चार्ट अच्छा दिख रहा है, जैसे कि पहले भी दिखाया हुआ था कि पीनट फ्लैग पे ब्रेकआउट आया हुआ है, तो लगातार वे फिर से देखिए फ्लैग बना रहा है, और फिर से मुझे लगता है फिर से ब्रेकआउट दे देगा, तो 108 इसका ऊपर का रेजिस्टेंस है। तीसरा स्टॉक ICICI बैंक, ये देखिए कितना शानदार फ्लैग बनना शुरू हो गया है। तो कई दर्शक हमें कहते हैं कि हमें पहले ही बता दिया करो, जब फ्लैग में ब्रेकआउट होता तब बताते हो, तो अब मैंने पहले ही बता दिया कि फ्लैग बन रहा है भैया, देख लो, और इस पे ब्रेकआउट आएगा 1,009 के ऊपर एक टारा एक ब्रेकआउट आएगा, और फिर आपको रेजिस्टेंस 1,029, 58 और 74 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए, ये टारगेट बड़े बड़े आपको दिख भी रहे होंगे, बाकी स्टडी कीजिए, देखिए फ्लैग पे कैसे टारगेट निकाले जाते हैं, क्या सिस्टम है, इन चीज़ों को समझा कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट, ये ऐसे चार्टों को ना स्टडी किया कीजिए, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो आइए अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे कि फिन निफ्टी में हमने क्या करना है। देखिए, फिन निफ्टी में जैसे कि आपको बताया है, 20 MA के डिप को बाय कीजिए, और 20 MA 20,250 और 20,300 पर भी आपको बाय करना चाहिए। क्यों, कारण क्या है, ये देखिए क्यों बाय करना चाहिए। फिन निफ्टी 20,200-300 पे एक अच्छी पुट राइटिंग हो रही है, पुट राइटर कॉल राइटर से ज़्यादा है, तो 20,300 का भी डिप बाय करना चाहिए, और 250 पे हमें 20 MA भी सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरह से हमें, और 20,500 पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है। तो आइए वापस चार्ट पे आते हैं। तो अभी भी चार्ट पे समझाया मैंने कि 20,300 के डिप को बाय करना चाहिए, और 250 तक अगर फिर से, मान लो यहाँ पे हम दो लोट में ट्रेड करते, तो एक यहाँ लो एक यहाँ लो, और नीचे स्टॉप लॉस रखो 20,200 का, क्योंकि 200 पे भी काफ़ी ज़बरदस्त पुट रेटिंग है। अगर 20,180 टूट जाए तब पुट ले लेना, उसके नीचे फिर मैंने जो टारगेट नहीं होंगे वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। बाकी ऐसा नहीं लगता कि नीचे आएगी मार्केट, ऐसा लगता है कि गैप अप ओपनिंग ही होगी। तो 20,300 के डिप को बाय कीजिए, फिर 20,360, 386, 400 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। बाकी आज जो मार्केट क्लोज हुई है वो 342 पे हुई है, और आज का हाई है लगभग 363। कल आपने क्या करना है, अगर 20,400 जहाँ पे हमें कॉल राइटर भी नज़र आ रहा था, तो उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो आपको लेकर जाएगी कहाँ,
20,450 500 पर एक बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, तो यहाँ पे पुट खरीदना बनता है और उसके ऊपर 5-5 मिनट की 3 कैंडल का एसएल लगा देना, और जैसे ही 3 कैंडल यहाँ पे क्लोज हो तो फिर निकल जाना। और यहाँ से फिर से आपको 20,450 और 400 तक का डिप वापस मिल सकता है। ऊपर की ओर देखिए गैप अप ओपनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर तो सीधा ही 20,500 पे ही खुल जाए मार्केट तो यहाँ पुट बाय कर लेना, जैसे कि समझाया है 5 मिनट की 3 कैंडल का स्टॉप लॉस रख लेना। और अगर मान लीजिए यहीं पे खुल गई मार्केट 650 थ्रू 3 या फिर 500 क्रॉस करके फिर ऊपर निकल भी जाती है तो यहाँ पर फिर से आपको पुट ही बाय करनी चाहिए, कॉल सिर्फ बाय करनी चाहिए 20,680 के ऊपर ही, उससे ऊपर ही कॉल बनती है। यहाँ मैं इसलिए कॉल रिकमेंड कोई नहीं कर रहा 500 के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस है, तो अच्छा है कि पुट साइड ही रहिए इस एरिया में। कौन सा एरिया? 500 से 650 के एरिया में सिर्फ पुट लेने के ही मौके ढूंढिए। कॉल का मौका तभी अच्छा मिलेगा जब 20,680 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो, फिर एक शानदार रैली भी आपको, एक सेफ रैली देखने को मिलेगी जिसमें आपको नहीं लगेगा कि एसएल हिट हो जाएगा, तो वो डर भी कम होगा। बाकी यहाँ पे एक काफ़ी द्वंद्व युद्ध भी हो सकता है बुल्स और बेयर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है 600 पर भी, 20,600 पे तो काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, और मैं तो कहता हूँ 20,560 पे आए तब भी एक पुट बाय करके देखना, और एसएल 20,600 का रखना, और नीचे की ओर जरूर हाँ 20,400 के ऊपर कॉल बाय करनी है, और एक आपको डिप बाय करना है, कौन सा? 20,300 का भी, 250 का भी डिप बाय करना है, और 200 का भी डिप बाय करना, मैं नीचे की ओर जितना फिर निफ्टी टूटे या गिरे उतना आप उसे बाय कीजिए, और जितना ऊपर जाए 500 के ऊपर 500 600 600 650 के आसपास, तो वहाँ उस एरिया में आपको पुट साइड के ही मौके ढूंढिए। असली जब कॉल राइटिंग जो शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं वो आएगी 680 के ऊपर ही। तो ये था कंप्लीट ट्रेड सेटअप फिन निफ्टी का और साथ में रुपये का। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you.